गुलाबी नगरी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की आज बरसी है। 13 मई 2008 को 8 सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के साथ में 185 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस मामले में जयपुर के माणक चौक और साथ ही में कोतवाली थाने में चार अलग अलग FIR दर्ज की गई, जिसके तहत विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा प्रथम ने 20 दिसंबर 2019 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया था। शर्मा ने इन चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन जयपुर बम ब्लास्ट के 12 साल के बाद भी दोषी आज तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि 12 साल के इंतजार के बाद अब इन गुनहगारों को सजा का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अभी भी ये मामला कानूनी दावपेच में फंसा हुआ है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को करीबन 6 महीने बीतने के बाद में भी उच्च न्यायालय में मामले की जल्द सुनवाई की कोशिश नहीं की गई, लेकिन जयपुर के गुनहगारों को उनके अंजाम तक आज तक नहीं पहुंचाया जा सका है। आपको बता दें कि जयपुर बम ब्लास्ट में अदालत ने सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को दोषी करार दिया था। इसी के साथ शाहबाज को भी बरी कर दिया गया।